टॉप करने का सपना आपके आंखों में है। आईएएस बनने की बहुत इच्छा है आपकी, लेकिन आपकी समस्या वही घिसी पुरानी है कि क्या करें, पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भाई, जब सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। जब टॉप तुम्हें करना है तो कोई दूसरा पढ़ाई थोड़े ना करेगा, करना तो तुम्हें ही होगा दोस्त। अभी समय है, जाग जाओ, वरना टॉप तो किसी को करना ही है। अगर कोई और टॉप कर सकता है तो आप क्यों नहीं। टॉप करने वाला एक इंसान ही होता है और आपको खुश होना चाहिए कि आप भी एक इंसान हो। जब कोई दूसरा मन लगाकर पढ़ सकता है तो आप यह क्यों नहीं कर सकते। ओह, ये जो आपके पास खिलौना है जिसका नाम मोबाइल है, शायद यही आपकी पढ़ाई में बहुत बड़ी बाधा है। देखो, अगर कुछ अच्छा करने चाहते हो तो इसके साथ तब रहो जब इसकी जरूरत हो, वरना छुओ भी मत इसे। आप क्या सोचते हैं, टॉपर मोबाइल नहीं चलाता होगा? चलाता है भाई, चलाता है, बेबी मोबाइल चलाता है। और तो दुनिया और तो और दुनिया के हर सफल इंसान के पास मोबाइल है, लेकिन मैं इसे ऐसे फालतू की चीजें देखने में अपना समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि जब भी मोबाइल का यूज करते हैं तो केवल पढ़ाई के लिए और मोटिवेशन के लिए। अगर भाई ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। अगर आपके हाथ में मोबाइल आते ही आपकी उंगलियां फेसबुक, व्हाट्सएप या गेम खेलने के लिए चली जाती हैं, तो छोड़ दो मोबाइल को। सुनो, ये दुनिया बड़ी अजीब है, वह केवल रिजल्ट देखती है। कर्म नंबर आ जाए तो हंसी बनाने वालों की कमी नहीं होती। एक बात दिमाग में भर लो, जिस समय कोई फेल होता है या नंबर कमाते हैं तो दुनिया केवल उस पर नहीं हंसती जिसके नंबर कम आए, बल्कि ये दुनिया उसके माँ बाप की मजाक बनाती है, उसके टीचर्स और उसके परिवार की मजाक बनाई जाती है। तो क्या तुम अपने माँ बाप, परिवार और टीचर की मजाक बनवाना चाहते हो? सुनो भाई, सुनो, ऐसा कभी मत होने देना। आपसे बहुत उम्मीद लगा रखी है आपके माँ बाप ने, बहुत मेहनत करते हैं भाई आपके लिए। क्या आप ऐसे ही उनकी मजाक बनने देंगे? क्या होगा उनकी उम्मीदों का? जागो भाई, जागो और लग जाओ आज से ही पढ़ाई में। आज ही एक टाइम टेबल बनाओ और पढ़ाई शुरू करो। ओहो, ये क्या कह दिया, टाइम टेबल? टाइम टेबल तो मैं साल से 10 बार बना चुका हूँ, कभी फॉलो ही नहीं होता है। अरे कैसे होगा फॉलो, सोमवार से पढ़ाई शुरू करूंगा या एक तारीख से पढ़ाई करूंगा, लेकिन पढ़ने का समय और उस टाइम टेबल फॉलो करने का समय कभी नहीं आया। आखिर क्या सोच रखा है तुमने? तुमसे अच्छा तो जानवर है जो हर समय सही समय पर पूरा करते हैं, वो भी प्राकृतिक रूप से। दिमाग नहीं है उनमें, और आप दिमाग वाली एक स्वस्थ इंसान हो, फिर भी अपने सपनों को मार देने में लगे हुए हो। सुनो, एक कड़वी बात सुनो, अगर ये सोच रखा है ना कि तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है, तो भाई अगर तुम असफल हो गए तो तुम्हारी जिंदगी तो उन पैसों से कट जाएगी जो तुम्हारे बाप ने कमाए हैं। लेकिन दुनिया मजाक के साथ ये कहेगी, देखो ये वो व्यक्ति है जो खुद तो अपनी जिंदगी में कुछ कमा नहीं सका और अपने बाप के पैसे से जिंदगी जी रहा है। मेरे हिसाब से धिक्कार है ऐसे व्यक्ति पर जो भविष्य में ऐसे शब्द सुनेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप तो को कुछ करना पड़ेगा। अगर काट भी ली अपनी जिंदगी अपने बाप के पैसों से, तो उनके सब पैसे तो अपने बच्चों को क्या होगा? इस दुनिया से जाओगे, ऐसे ही छोड़ जाओगे उन्हें खाली हाथ, कौन जिम्मेदार होगा इसका? आप होंगे ना आप। और यदि आपके पिता के पास ज्यादा पैसा नहीं है, तब तो तुम्हें पढ़ना ही होगा, तुम्हें पढ़ना ही होगा। इसके अलावा अपने सपनों को पूरा करने का कोई और तरीका ही नहीं है, तुम्हें पढ़ना ही होगा। जाग जा बेटा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन का त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।